श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वाधान में शनिवार को रामलीला का मंचन, अहिल्या, उद्धार, नगर दर्शन, धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन श्री मारुति नंदन हनुमंत आदर्श रामलीला मंडल अयोध्या गोलाघाट के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि धनुष यज्ञ में राजा जनक जी धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। जनक जी ने घोषणा किया कि जो भी इसे उठाकर दो खंडों में विभाजित करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। यह प्रण सुनकर दसों दिशा के राजा उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर धनुष को उठाने की कोशिश की लेकिन किसी ने धनुष को नहीं उठा पाया, जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम ने धनुष उठाकर दो खंडों में विभाजित कर दिया। राजा जनक व महारानी सुनैना दोनों दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए और पुत्री सीता को ले जाकर श्री राम के गले में वरमाला डलवाया। इसके उपरांत रविवार को प्रभु श्री राम जी की रामलीला मैदान से बड़े ही धूमधाम के साथ बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। बारात के निकलने से पहले श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का विधिपूर्वक भोग लगाया गया। उसके बाद आरती दिखाकर बारात को रवाना किया गया तथा बारात का शुभारंभ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास व विधान परिषद के सदस्य एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। राम बारात रामलीला मैदान से निकलकर पांडेहाता, घंटाघर, रीति चौक, बख्शीपुर, चौरैया गोला, बसंतपुर होते हुए वापस रामलीला मैदान पर आई और श्री राम और माता सीता का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष पंकज गोयल, विकास गुप्ता, महेश वर्मा, संतोष वर्मा, सतीश वर्मा, अनुराग मझवार, कन्हैया वर्मा, उमेश अग्रहरी, कन्हैया शर्मा, प्रमोद शर्मा, अभिनव बरनवाल, हरिद्वार वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में श्री राम जी के भक्त राम बारात में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री श्री रामलीला बर्डघाट कमेटी के महामंत्री अनूप अग्निहोत्री एवं विधान परिषद सदस्य भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह तथा अयोध्या से आए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा। भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान में। श्री राम जी आश्चर्यचकित हो गए। क्या झांकी जो थी ये अभी तक अधूरी थी। राम लक्ष्मण की जोड़ी तो एक ब्रह्म दूसरे जीवाचार्य लखन लाल जी। राम कौन है? परात्पर ब्रह्म। और लक्ष्मण जी कौन है? जी ताली बजाएंगे आप लोग प्रेम से। तो जब राम जी की शादी हो गई, अब इसी को कहा
कहते हैं राम विवाह। अनूप अग्निहोत्री, महामंत्री रामलीला कमेटी। वर्ल्ड घाट रामलीला का इस बार 160वां साल है और पूरी कमेटी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाती है। हम लोग ये सोच के मनाते हैं कि सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना है हमको, उस इच्छा से हम लोग इस रामलीला को मनाते हैं। बच्चे आज रामलीला को भूल चुके थे, बच्चे दोबारा रामलीला को याद करें कि कैसे पात्र होते थे, कैसे रामलीला होती थी। आज हम लोग उसी लोगों का आलोक जला रहे हैं। ये बनारस की टीम आई हुई है,
जिसमें 22 लोगों की ये रामलीला करने के लिए टीम आई हुई है। और आज हमारी राम बारात का प्रोग्राम है, जिसके लिए हमने बनारस से झांकी मंगवाई हुई है, जो योगी जी मोदी जी ने वहाँ पे कार्यक्रम जब किया था उसमें जो डमरू की टीम लगी थी वही टीम मैंने आज राम बारात के लिए स्पेशल बुलाई हुई है। और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि उसमें हमको शासन का प्रशासन का बहुत सहयोग मिलता है। ये यहाँ से निकलने के बाद नॉर्मल घंटाघर, पांडेहाता, नखास, रेती, बख्शीपुर, चौरैया गोला, लाल डिग्गी, खूनीपुर चौराहा, मदरसा, हालसीगंज, बसंतपुर, हाशूपुर, चुंगी और रामलीला मैदान पे आके शादी का कार्यक्रम संपन्न होगा। लोगों में उत्साह होता है, करीब करीब 5,000 लोगों की गैदरिंग होती है शादी में। हाँ, कल हमारा धनुष यज्ञ का कार्यक्रम था, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, आज हमारा राम बारात का कार्यक्रम है, कल हमारा बन यात्रा का कार्यक्रम होगा, फिर विभिन्न चौराहों से घूमते हुए प्रभु बन को जाएंगे। रामलीला समिति मेला घाट के द्वारा भगवान राम की बारात का एक कार्यक्रम चल रहा है। मानगढ़ के महंत श्री लालू दास जी की और गोरखपुर महानगर के नागरिक हमारे महानगर के अध्यक्ष और श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित हैं। भगवान राम की बारात जा रही है और हम सब उसमें भागीदार बन रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, भारत की प्राचीन परंपरा को आज भी सब लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम सब भागीदार बन रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करें कि भगवान श्री राम की बारात में शामिल होने का अवसर मिला। सराफा मंडल इस व्यवस्था के अनुरूप आज मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, महानगर अध्यक्ष जी को भी आभार दूंगा कि साथ साथ भगवान राम की इस बारात में पूरे ये मंडल परिवार और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। भगवान राम की अति कृपा है, विशिष्ट कृपा है, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति और राष्ट्र रक्षा और हिंदुत्व को लेकर माननीय अध्यक्ष जी की पार्टी लगातार तत्पर और भगवान राम के चरणों में सभी कार्यकर्ता समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं, तो इस कड़ी में इस दास को भी गोरक्ष धाम में आने का अवसर मिला तो अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ।